जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में, व्रत के बारे में और आज के दिन और रात्रि की शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 10 सितंबर 2022 दिन शनिवार। शनिवार शनिदेव और हनुमान जी का दिन माना गया है। आज इनका भी जन्मदिन है, उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर शनि देव और हनुमान जी का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होगी दोपहर 3:30 तक। आज के दिन स्नान दान की पूर्णिमा है और उमा महेश्वर व्रत महालया प्रारंभ नांदी माता महाश्राद्ध। आज सूर्योदय सुबह 5:42 और सूर्यास्त शाम 6:08। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे शाम 6:23 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे सुबह 5:18 पे। सूर्य सिंह राशि में रहेंगे और चंद्रमा कुंभ राशि में। यह वर्षा ऋतु है, अयन दक्षिणायन रहेगा। योग धृति योग दोपहर 2:55 तक, उसके बाद शूल योग। करण बव करण दोपहर 3:28 तक, उसके बाद बालभ करण। विजय मुहूर्त जो कि दोपहर 2:23 से दोपहर 3:13 तक। नक्षत्र की बात करें तो शतभिषा नक्षत्र सुबह 9:37 तक, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। दिशा शूल की बात करें तो आज शनिवार दिन होने के कारण आज के दिन उत्तर पूर्व और ईशान दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से अदरक उड़द की दाल या तिल खाकर बाहर निकले। इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज शनिवार का दिन है तो शनिवार के दिन शनि देव और हनुमान जी का पूजन करें। पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डाले तो लाभकारी होगा। पीपल के वृक्ष में जल डालने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है और विशेषकर शनि की दशा में कष्ट नहीं होता है। शनिवार के दिन विशेष प्रकार से शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि देव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाएं या सरसों के तेल में अपना मुख देख करके उस सरसों तेल का दान करें तो लाभकारी होगा। शनिवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का चोला चढ़ाएं, उन्हें लाल पुष्प चढ़ाएं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, विशेषकर लड्डू का भोग लगाएं, हनुमान चालीसा सुंदरकांड बजरंग बाण आदि का पाठ करें तो लाभकारी होगा। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा सुबह 8:48 से सुबह 10:22 तक। गुली कालम समय होगा सुबह 5:42 से सुबह 7:15 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:30 से दोपहर 12:18 तक। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया 7 प्रकार की होती है, जिसमें से कि 4 शुभ चौघड़िया मुहूर्त और 3 अशुभ चौघड़िया मुहूर्त। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:15 से सुबह 8:48 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 1:28 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:28 से दोपहर 3:01 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:01 से शाम 4:34 तक। तो यह थी दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 6:07 से शाम 7:34 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 9:01 से रात्रि 10:28 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त
रात्रि 10:18 से रात्रि 11:54 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौखरिया मुहूर्त रात्रि 11:54 से रात्रि 1:21 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौखरिया मुहूर्त रात्रि 4:15 से सुबह के 5:42 तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौखरिया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2079 रक्षा है और शक संवत 1944 शुभकृत। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।